हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट में। मैं सीमा, बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो फाइनली एसेंशियल ऑयल पे मैंने जो वीडियो डाली है आपने देखा ही होगा। और अब मेरी जो बैक टू बैक वीडियोज रहेंगी उसमें एसेंशियल ऑयल का यूजेज रहेगा। और आप अगर चाहें तो अपने बालों की लेंथ के लिए और घनेपन के लिए, ग्रोथ के लिए, शाइनिंग के लिए और जल्दी से बाल ग्रो करने के लिए आप एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं purple.com से। और आज हम यहाँ पर हेयर ग्रोथ के ऊपर एक रेमेडी लेकर के आए हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरा जो भी हेयर ग्रोथ रेमेडी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो अप्लाई की हुई होती हैं और मैं आपके सामने अप्लाई करती हूँ, क्योंकि अप्लाई करके आप लोगों को ये ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, कोई चीज़ें अगर मैं कर रही हूँ तो सही है। और सच में ऐसा कुछ नहीं कि जेनेटिक ही बाल बड़े हों, लंबे हों। मेरी दीदी हैं, उनके बाल इतने लंबे नहीं हैं, मैं केयर करती हूँ, उस वजह से हैं। आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था कि मैम, आप अपनी पहली पिक्चर्स प्रोवाइड करा दीजिए, आप अपनी हेयर केयर जर्नी जो है आपकी कब से बढ़ा रहे हो। तो मैं कुछ टाइम से ही अपनी हेयर ग्रोथ कर रही थी, तो मेरे जो बाल हैं ये केयर से ही इतने लंबे हुए हैं। और आप कंटिन्यू केयर छोड़ दो तो आप देखो, आपके बाल फिर से झड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी जो भी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें आप धीरे 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 करके आप सारा सामान कलेक्ट कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी पैक और वीडियोज़ वगैरह ला रही हूँ बैक टू बैक आप लोग के साथ में। बट कुछ ऐसी मेरी सिचुएशन है कि मैं उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी जो कंडीशन है आपको पता है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं। और यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो मैं अप्लाई तो नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगी वो बिल्कुल सही होगी और इफ़ेक्टिव होगी। तो आज हम राइस वाटर से अपने बालों को घना और लंबा और थिक और अपने बालों में शाइनिंग कैसे ला सकते हैं, वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप अपने बालों को राइस के जो पानी होता है, चावल का जो पानी होता है, उससे आप अपने बालों को बहुत अच्छे से लॉन्ग कर सकते हो। 1 month में ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैं जो राइस वाटर है हमारा, वो कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है वो हम आपको दिखाते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये यहाँ पर ये चावल लिए हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ कैमरा। तो ये वाले चावल आपको लेने हैं, जो खीर वाले चावल आते हैं, देख सकते हैं आप, छोटे छोटे से होते हैं, महीन महीन से। और ये मैं रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, गुड वाइब्स का है ये। और यहाँ पर मैं ये यहाँ पर पानी ले रही हूँ मैं। आप इतना पानी ले लीजिए जिससे कि ये आपके चावल जो हैं इसमें अच्छे से भीग जाएं और ये अच्छे से फूल जाएं, और जो इनकी जो गुडनेस है वो अच्छे से इसमें एग्जॉर्ब हो जाए। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो चावल का जो पानी है, इसमें जो भी डस्टिंग वगैरह होगी वो आप अच्छे से धो लेना, और धोने के बाद से उस 2-3 बार पानी को फेंक देना। आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, गंदगी थी, जो भी सारी चीज़ें, वो अच्छे से देखिए निकल रही है। और इसे हमें एक बाउल में क्या करना है, निकाल देना है। एक दो बार हम इसे और धोएंगे। और ये जो राइस वाटर वाला जो है, आप इसको बना करके स्टोर करके 15 दिन तक रख सकते हैं, और 15 दिन बाद फिर आप नया बना लीजिए। इसको आप अच्छे से धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए, आपको जितना भी बनाना है और जितने भी आपके बालों की जितनी लेंथ है उस हिसाब से। तो ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 4 tablespoons राइस लिया था, और उसके बाद से ही मैंने वाटर लिया है इतना पूरा, ये 1 bowl हो गया है। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, और इसको एक रात के लिए अच्छे से छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल बिल्कुल इसको ढक करके छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको किसी ऐसे डब्बे में रख सकते हैं, या फिर किसी बॉटल में, या फिर ग्लास में, जिससे कि ये खट्टा हो जाए और इसमें बोलते ना खमीर उठ जाना, वो उठ जाए। और उसके बाद से आप इसको रूम टेम्परेचर में ही रखना है इसको नॉर्मल। और उसके बाद आपको मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में आपको इसमें ये रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे,
रोजमेरी का, इसमें आपको 8 से 10 ड्रॉप डालनी है और डाल करके आपको शेक करना है। शेक करने के बाद से ये आपको अपने बालों में जड़ में लगाना है और इसको 1 डे के लिए आप रात में छोड़ दीजिए, और 1 डे 2 डेज आपके पास जैसा भी टाइम हो उस हिसाब से आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके सूखने के बाद से आप इसमें ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि हफ्ते में अगर आप बाल धोते हैं तो मेरे ख्याल से कि 2 बार 3 बार तो शैम्पू करना ही चाहिए। तो अगर आप ये जैसे पानी है, जैसे कि ये पानी है और पानी के साथ में एसेंशियल ऑयल है और ये राइस है, तो इसका जो जो इसकी गुडनेस होगी वो तो आपको मिल ही रही है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद से आपको क्या करना है कि आप जो भी ऑयल लगाते हैं, इस समय ठंडियाँ चल रही हैं तो आप कोकोनट ऑयल को तो अवॉइड कर दीजिए बिल्कुल भी। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप चाहते हो कि बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ हो आपकी, तो आप यूके लिप्टस एसेंशियल ऑयल आता है वो ले लीजिए, और कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन तीनों को कंबाइन करके 1 मंथ यूज़ करिए इस रेमेडी के साथ में, तो आपको डेफिनेटली 1 मंथ में आपके 2 से 3 इंच जो हेयर ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी और आपको खुद ही दिखेगा इसका रिजल्ट, इसका इफेक्ट। तो मैं यहाँ पर ये एक रात के लिए नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये यूज़ करती हूँ और जो भी है मैं बना कर रख लेती हूँ, अपना यूज़ करना होता है। बट मैं आज आपको इसका जो मेथड है, जैसे बनाना है इसको तरीका, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली इसको बना पाएँ। तो आपको एक रात के लिए छोड़ देना है, उसके बाद से अब देख रहे हैं आप कि ये जो एसेंशियल ऑयल है मैं आपके सामने इसको इसमें डाल रही हूँ और यूज़ करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये बहुत अच्छा वर्क करता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपने बालों पर अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अपने बालों पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। यहाँ बात ये आती है कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का वर्क क्या है, काम क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, ये बालों को एक मजबूत क्या बोल सकते हैं कि मजबूत टेक्सचर देता है, हमारे बालों में नई जान डालता है और हमारे बालों में जो डैंड्रफ हो जाती है, फंगल जो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग प्रॉब्लम होती है, उनको ये दूर करके हमारे बाल को हेल्दी कह सकते हैं कि एक अच्छा फूड होता है खाने के लिए बॉडी में। तो उस हिसाब से ये हमारे बालों के लिए समझ लीजिए एक हेल्दी फूड का काम करता है। और ये जो राइस वाटर है इसका तो काम पता ही आपको, राइस वाटर बहुत ही इफेक्टिव होता है बॉडी के लिए भी और हेयर के लिए भी। तो मैं यहाँ पर ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए ड्रॉप डालने के बाद से, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रात में अगर आपने चावल को सोक करने के लिए रख दिया है पानी में, उसके बाद से आप जब ये पूरी रात भर अच्छे से सोक हो जाए, इसमें खमीर उठ जाए, खट्टापन सा आ जाए, तो आप जो चावल है उसको किनारे कर सकते हैं निकाल करके, और निकालने के बाद से इसमें जो पानी है उसमें आप ये एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये चावल के अंदर ही इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसमें एक स्प्रे बॉटल में इसको हम डाल करके कैसे यूज़ करना है वो बता रहे हैं, देख सकते हैं आप कि ये पूरा बॉटल अच्छे से भर गया है। और आप इतना ही बनाइए, 100 ml बना लीजिए, जितने आपके बालों की लेंथ है उतना बना लीजिए, और ये 15 डेज तक स्टोर करके रखा जा सकता है। और अब ठंडियाँ आ गई हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठंडियों में भी ये 1 मंथ तक स्टोर करके रखा जा सकता है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, जब भी आपको अप्लाई करना है इसे अपने बालों में, आप इसको अच्छे से शेक कर लीजिए, आपसे ये बोलती हूँ कि ये जो मोटे टीथ वाली कॉम होती है इससे ही आप कोई भी पैक अगर लगा रहे हो तो उससे पहले आप इससे कॉम करो, और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके यहाँ पे बाल बाल जैसे निकल गए हो, उड़ गए हो, गंजा फंसा रहा हो, वहां वहां इसको अच्छे से स्प्रे करिए चेक करके। थोड़ा सा मैं कैमरा पास करूंगी, देख सकते हैं आप ये बहुत ही इजीली, और ये जो मांग होती है हमारी इसमें अप्लाई करना होता है और थोड़ा सा रब करना होता है, तो आप ऐसे पार्टीशन कर करके अच्छे से अपने बालों पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भी आप इचिंग कर लो, इनकी केयर से, इनके यूजेस से हमारे डैंड्रफ नहीं होते हैं, और जब डैंड्रफ नहीं होते तो हमारे जो बाल होते हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं।
तो आप इस तरह से ये जो हमारा टॉनिक है राइस वाटर का, इसको आप यूज़ करिएगा, अप्लाई करिएगा। जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आप हमारे साथ जरूर से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में। बाय, लव यू, टेक केयर।